करने वाले हैं AKTU या UPSEE या UPTU आप कह सकते हैं, उसकी काउंसलिंग के बारे में, उसका रजिस्ट्रेशन के बारे में, सीट अलाटमेंट कब आएगा और काउंसलिंग चॉइस कब होगी, कौन कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, फीस कितनी है, मैं आपको पूरा डिटेल से बात करने वाला हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कितने प्रोसेस आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो आपको पूरी डेट और सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपका इसमें रिजल्ट आपने चेक किया तो आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं, आपका 15 रिजल्ट आ चुका है 2-3 दिन पहले ही। तो आपको सबसे पहले आपको अगर आपने इस फॉर्म फिल किया था और आपने एग्ज़ाम दिया, तो आपको काउंसलिंग करवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दोबारा यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है आपको 19 अक्टूबर 2020, यानी ये 19 से शुरू होकर 22 अक्टूबर 2020 तक चलेगा रजिस्ट्रेशन। यानी आपको 22 अक्टूबर से पहले पहले काउंसलिंग अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आपको 22 अक्टूबर से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन अपना करवा लेना है। और फिर उसके बाद आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए आपको 20 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर 2020 तक बुलाया जाएगा, यानी 24 अक्टूबर तक आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाना है। और फिर उसके बाद आपको चॉइस लॉक करना है। चॉइस कब तक लॉक करना है? 20 अक्टूबर 2020 से लेकर 26 अक्टूबर तक आपको अपना, जैसे उसमें कॉलेज का नाम वगैरह, ब्रांच कौन से लेना चाहते हैं, सब आपको उसमें फिल करनी है। मैक्सिमम चॉइस आपको देना तभी आपको कॉलेज अलाट होगा। और फिर आपको उसके बाद चॉइस लॉकिंग के बाद आपको रिस्पॉन्ड टू क्यूरी, क्वेरी वगैरह आप इसमें 24 अक्टूबर 2020 से उसको रिसॉल्व किया जाएगा। और फिर सीट अलाटमेंट का जो रिजल्ट आएगा 26 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो आपने सीट अलाट की, आपने जो काउंसलिंग की है, आपने जो उसको ब्रांच वाइज जो आपने चूज़ किया, आपका रिजल्ट सीट अलाटमेंट का 26 अक्टूबर 2020 को आ जाएगा। और फिर आपका ऑनलाइन विलिंगनेस फ्रीज फ्लोट, यानी अगर आपको जो कॉलेज मिला, जो ब्रांच आपको मिली है, आप उसको लेना चाहते हैं कि आप उसको जो है फिर फ्रीज कर देंगे, फ्लोट कर देंगे, आपको 26 अक्टूबर 2020 से पहले 26 अक्टूबर 2020 से लेकर 29 अक्टूबर 2020 तक आपको करना है। यानी आपको 3 दिन के भीतर में आपको अपना फ्रीज फ्लोट करना है। और फिर आपको पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन, आपको पेमेंट होने के बाद, यानी आपको सीट मिल जाने के बाद, कोई कॉलेज आपको मिल जाता है आपने जिस ब्रांच में फिल किया था, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आपका 20,000 करना है 26 अक्टूबर 2020 से लेकर 29 अक्टूबर 2020, यानी आपको 29 अक्टूबर तक आपको पेमेंट अपना कर देना है। और मैं आपको बता दूं, तभी आप पेमेंट करिएगा, आप गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तभी, क्योंकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज डाल देंगे चॉइस में तो आपको उसमें तुरंत चॉइस मिल जाएगा, और प्राइवेट कॉलेज आपसे फिर बहुत ज़्यादा फीस वगैरह लेंगे। लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो वहाँ से आपको बेनिफिट और आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, अच्छे टीचर, अच्छे गाइडर मिलते हैं, और फिर आपको फीस वगैरह वहाँ पे बहुत कम लगती है, उसकी वैल्यू काफ़ी होती है। तो इसलिए अगर आपको कोई कन्फ्यूजिंग है, आपको कोई कुछ नॉलेज चाहिए UPSC के किसी भी पॉइंट के बारे में, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि मैं इसके पहले भी BTech कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे इस बारे में नॉलेज है। आप किसी भी ग्रुप से हैं, आपको इंटर बेस पर लेना है, डिप्लोमा बेस पर लेना है, BSc बेस पर लेना है, आप किसी के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं, मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, काउंसलिंग करवानी है, कौन कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन सा प्राइवेट कॉलेज है, यानी आप गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी है, कौन कौन सी कितनी ब्रांचेस है, कौन सी ब्रांच बेस्ट है, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। तो इस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह फिल कर सकते हैं, चॉइस फिल कर सकते हैं। कोई भी आपको क्यूरी, कोई भी आप कन्फ्यूजन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो मैंने आपकी डेट बता दिया, 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है रजिस्ट्रेशन, आपको 22 अक्टूबर तक करना है, और 26 को आपको पेमेंट कन्फर्मेशन करना है, आपको सीट अलाट करना है कि नहीं, लेना है कि नहीं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपकी रैंक कितनी आई है, आपके मार्क्स कितने आए हैं, क्या आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कितने मार्क्स में मिलता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितने मार्क्स मिला है, आपको मिलेगा कि नहीं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कॉलेज। चलिए, कोई भी कन्फ्यूजन तो जरूर पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।